ने खेती का जू के फोन नंबर भी दिया। हाथ मैं आपको भूलू नहीं। तो जूस पीना है स्पेशल। दोस्तों मेरे पीछे दफा पे जबरदस्त सिस्टम है ऑर्गेनिक खेती का जूस का और सारा सिस्टम यहाँ पे बना रखा है ओरिजिनल। आपको दिखाता हूँ और इनसे बात करते हैं, पता चलेगा सारा। ये देखो इसके फार्म का भी मैंने बनाया था जो जूस बनाते हैं। आप देखो इसके ऊपर लिख रखी है लगभग बहुत सारी बातें लिख रखी है, फ़ोन नंबर भी दे रखा है। अगर किसी को ये मॉडल के बारे में जानना है तो देखो इसमें ना ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है ऊपर, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो बिजली का भी कोई झंझट नहीं है, सोलर प्लेट के होने की वजह से तो सारा ऑर्गेनिक हो जाता है। मैं इसको आपको चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूँ, आप इसका सिस्टम देख सकते हो। ये देखो बढ़िया साफ़ सफाई से मक्खियाँ मच्छर ना जाएं उसके लिए। और ये ट्रैक्टर देखो, यहाँ पे रेगुलर दूर दूर से आते हैं लोग स्पेशल ये जूस पीने, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक है। ये देखो और कम बजट में ये सिस्टम बनाया हुआ है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर कोई भी भाई ये करना चाहे तो कम पैसों में भी उसका जुगाड़ बन सकता है इस तरह की। और ये सारा राजीव दीक्षित जी से प्रेरित होकर के इन्होंने बनाया है। यहाँ पे दूर दूर से लोग स्पेशल ऑर्गेनिक जूस पीने के लिए आते हैं। सारा काम इसके अंदर, ओ भाई गन्ना भी फ्रीज के अंदर रखा हुआ है भाई, देख सकते हो क्या बात है। सारा सोलर से चल रहा है जी। हाँ जी, बिजली कुछ कोई बिल्कुल यूज नहीं इसमें है। पूरा सिस्टम बना रखा है जी आपने जबरदस्त। एक ग्लास है, कूलर भी है ठंडा रखने के लिए और धोने के लिए। ये वॉश बेसिन है भाई, चलती फिरती दुकान है जोरदार। ये आप देख सकते हो सारा नींबू पुदीना सारा ऑर्गेनिक है, ये इनके खेतों का ही है खुद का। भाई अगर कोई भी किसान भाई इस तरीके से काम करना चाहे तो उसके लिए एक तरीके का मॉडल है ये फ्री और सीख है ये एक तरीके की। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका खुद का फार्म का ही गन्ने का डायरेक्ट अगर मंडी में गिरते तो इनको कोई भी ना भाव मिलता और लोगों को ऑर्गेनिक मिलता कि नहीं मिलता इसकी कोई गारंटी नहीं। अब ये यहाँ पे अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट लोगों को फायदा दे रहे हैं। मैम के अंदर ये जगह है जहाँ पे ये जूस का काम कर रहे हैं। और आप ये देखो जूस लगाने की कौन सा मैम 24 का चबूतरे के ऊपर ये यहाँ पे आती है। भाई कोई भी ब्लॉगर है या फूड ब्लॉगर है तो भाई यहाँ पे आके इनको देख सकते हो आप। ये देखो भाई ये मशीन है, बिल्कुल साफ सफाई के साथ दोनों तरफ जाली लगी हुई है मच्छरदानी वाली ताकि कोई भी मक्खी वगैरह ना जाए बिल्कुल अंदर एक भी। यहाँ पे लगभग 15-20 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं सिर्फ जूस पीने के लिए ऑर्गेनिक। और भाई साहब का नाम तो पूरे हरियाणा में विकसित है ऑर्गेनिक खेती के लिए। आपने इनके काफी सारे वीडियो पहले भी देखे होंगे। नाम फूल कुमार, गांव मातू भैणी। नाम इनका फूल कुमार जी है और मातू भैणी गाँव के हैं ये, जो मैम के पास पड़ता है। तो ये मॉडल आपने कहीं देखा था क्या सर जी, ऐसे ही दिमाग में आ गया आपके खुद बनाने का? देखा था जी हमने। देखा था कहाँ से देख के आए थे जी? लुहाना में देखा। लुहाना में, अच्छा जी। तो उसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया कि सारा आपका ही मतलब उसका ऐसे कैसा कॉपी कर लिया? लगभग ऐसा ही है वो, ये काम कुर्सी भी रखा है, आप कुर्सी नहीं रखा। अच्छा अच्छा, आप बाहर कुर्सी रख देता है अपन नहीं रख रहे कुल्फी। अच्छा अच्छा कुल्फी, अच्छा अच्छा। ये देखो भाई चुंबक के साथ रोकने का प्लान है, बढ़िया जबरदस्त लोहे के ग्रिल हो गए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, इसको हटा सकते हैं जब भी हटाना चाहें और जब लगाना चाहें तब लगा लेते हैं। सारी एक एक चीज़ के हम डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। इसमें कितना खर्चा आ गया होगा जी बनाने में? 2-2.5 लाख। ट्रैक्टर समेत? ट्रैक्टर से अलग, पीछे ट्रॉली वाला सिस्टम। पीछे भाई ट्रॉली के अंदर जो ये सिस्टम बना रखा है इसमें लगभग 2-2.5 लाख के आसपास खर्चा आ गया। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से। भाई भक्ति भाव के साथ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लोगों को कंज्यूम कराते हैं। आप
तो आपको चौक दिखा देता हूँ भाई, मैम का ये चौक है, ओका देखो बीच में ओका रखा है कितना बड़ा, और यहाँ पे जो जूस पीने वाले इनसे भी व्यू लेते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम भाई, कैसे हो? बढ़िया है। कहाँ से हो आप? मातो बहनी से। मैम कितनी दूर पड़ता है? 7 किलोमीटर। 7? तो जूस पीना है स्पेशल? कारण है देसी गंडा है भाई। अच्छा, देसी चीज है सारी, बिना खाद का? बिना खाद का, ऑर्गेनिक। तो आपने कैसे बेरा, फेमस है ये? है। अच्छा, आपके गांव के हैं? फार्म मतलब आप गांव में नहीं पिया जूस, यहाँ पे स्पेशल जूस पीने आए हो? यही निकालता ही हो। अच्छा जी, और आप जी? राम राम भाई साहब। साथ ही? अच्छा, साथ में हो? जूस पीने ही आए, स्पेशल जूस पीने आए हो जी। ये देखो भाई, बिना खाद का, बिना दवाइयों। अच्छा, ऐसा है जी। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका? कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो यानी इसका मतलब ये फेमस है यहाँ पे पूरे से? पिएंगे भी और पैक करा के ले जाएंगे। अच्छा, पैक भी करते हैं और पी भी सकते हैं? ठीक है जी, चलो मैं भी पी के देखूंगा जी। ये देखो भाई, वो गाड़ियाँ भी आ रही हैं भाई, दूर दूर से आदमी आते हैं स्पेशल पीने। लोग जो एक पीछे दोबारा होगा, कितने दूर था? जब जब भी 20-25 किलोमीटर तक लोग आओ हैं।